पंजाब के मोगा जिले में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर आतंकी अर्श डाला ने कांग्रेस नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आतंकी अर्श डाला ने फेसबुक पर शेयर की पोस्ट में लिखा कि उसने मेरी माँ को काफी रुलाया है, इसकी वजह से मेरी माँ को एक हफ्ते तक CIA ने अपने पास बैठा कर रखा। मेरे घर में पुलिस के साथ जाकर तोड़ फोड़ करवाई। मैं आज जो हारा हूँ वो इसकी बदौलत से, इसकी वजह से हुआ है सब। आपको बता दे, बलजिंदर सिंह बल्ली कांग्रेस के अजीतवाल ब्लॉक के अध्यक्ष और गांव डाला के नंबरदार थे। सोमवार को करीब 5:30 बजे अपने घर में हेयर कटिंग करवा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो बदमाश पहुंचे और उनके घर में घुस गए और अंदर जाकर उन्हें गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गोलियां लगने से उनका ज्यादा खून बह गया, जहां उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस अब आतंकी अर्श डाला की इस पोस्ट को देखते हुए जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस गांव का आतंकी अर्श डाला भी है, जिसके साथ कांग्रेस नेता की पुरानी रंजिश चल रही थी। मोगा पुलिस ने मृतक बलजिंदर बल्ली की पत्नी नवदीप कौर के बयान पर सुखवीर सिंह, हरदीप सिंह, जगजीत सिंह वासी डाला, गुरचरण सिंह निवासी अजीरवाल पर धारा 302, 120B, 25-27 के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली की स्पेशल सेल भी इसको लेकर जांच में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।